नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है बेटा आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। बज गए हैं सुबह के 6 और 6 बजे, यानी कि आपकी अपनी करंट अफेयर्स वाली क्लास का टाइम हो गया है। आप लोग वेट भी कर रहे होंगे अपनी करंट अफेयर्स के लिए। तो हम लोग स्टार्ट किया था पिछले 6 माह की करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं पिछले 6 माह का करंट अफेयर। क्लास को शुरू करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है भाई कि आप सबको करंट अफेयर्स की बेटा पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम टाइम पर रिवीजन करने के लिए आपको यही पीडीएफ काम में आने वाली है। तो इसके लिए पीडीएफ के लिए आपको एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आपको मान लिया दिक्कत हो रही है टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की किसी को कोई समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7311747488 ये समझ लीजिए कि आपके लिए समस्या निवारण का नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आपको मैं टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। तो अब कोई समस्या तो नहीं है ना, अब कोई समस्या नहीं होगी। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा 6 मई से, क्योंकि इसके पहले वाली क्लास में हम लोग 7 मई तक के करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं। हाल ही में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस DRILS, डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस इसका फुल फॉर्म है, में देश की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है। यह संस्था हैदराबाद में स्थित है। तो डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस में देश की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया। यह संस्थान हैदराबाद में है, जो कि आपका ड्रग्स के लिए एक्टिव फार्मा जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि मेडिकल से संबंधित फार्मा इंग्रेडिएंट्स के लिए जानी जाती है। इसमें फार्मा इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड काम होंगे, ठीक है भाई। दूसरी बात करते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा ALH MK3 स्क्वाड्रन कोची में कमीशन किया है। ये जो आपका ALH M3 है, ये क्या है? तो बेटा ये ALH, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। काफी हल्का होता है ये हेलीकॉप्टर, इसीलिए इसका नाम ALH रखा गया। इसको भारतीय तटरक्षक बल ने कोची में कमीशन किया है, यानी कि कोची में फिलहाल ये ड्यूटी कर रहा है आपका ALH MK3। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शिलांग में आयोजित पूर्वोत्तर खाद शो का उद्घाटन किया। ये जो आपका पूर्वोत्तर खाद शो है ना बेटा, इसमें क्या होगा? तो इसमें आपके मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शिलांग में इसका शिलान्यास किया, मतलब शुरुआत किया, इस प्रोग्राम की उद्घाटन किया है, और ये काफी बड़ा आपका खाद शो रहने वाला है। 5 मई 2022 को दिल्ली में स्टार्टअप नीति पारित किया गया। अब ये स्टार्टअप नीति क्या है भाई, स्टार्टअप नीति क्या है? तो बेटा दिल्ली का जो बजट था, दिल्ली सरकार का जो बजट था 2022-23 से जुड़ी योजना है, जो विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसाय जो विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय को बढ़ावा देगा। 2027 तक 20 लाख नौकरियां 2027 तक 20 लाख नए रोजगार पैदा करने की एक पहल को स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम रखा गया है स्टार्टअप नीति। 20 लाख रुपए का बजट इसके लिए एलोकेशन किया है। अगली बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान में के मिया का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। तो मिया का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत 4th सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व वाला देश है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन जो इंपैक्ट रैंकिंग है ये जारी करता है, और इसमें भारत को 4th प्लेस प्राप्त किया, भारत ने 4th प्लेस प्राप्त किया है। भारत का जो 4th स्थान है ये जॉइंट है बेटा टर्की के साथ, जॉइंट है ये टर्की के साथ में, जॉइंट 4th पोजीशन भारत होल्ड कर रहा है। सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी को माना गया है।
टॉप 300 में से 8 यूनिवर्सिटी भारतीय है, टॉप 300 में से भारत की 8 यूनिवर्सिटीज को इसमें दर्जा मिला है। याद रखिएगा जो शीर्ष स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने ई गवर्नेंस पहल के तहत जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है। तो जम्मू कश्मीर ने, आपकी जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, इसने ई गवर्नेंस पहल के तहत निगरानी ऐप लॉन्च किया है। अब निगरानी ऐप का काम क्या है, ये लॉन्च किसने किया, तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने इस ऐप को लॉन्च किया है। निगरानी ऐप का काम क्या है, निगरानी ऐप का जैसा नाम है निगरानी रखना, वैसे इसका काम है निगरानी रखना। 24/7 अवेलेबल रहेगा ये आपका ऐप। इसमें क्या होना है कि जो सरकार योजनाएं लॉन्च करती है ना, उससे जुड़ी शिकायतें आप कर सकते हो, और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम रखा गया कि अगर किसी की शिकायत आती है तो शिकायत का पे आपने क्या काम किया, क्या एक्शन लिया, इसका तत्कालीन रिपोर्ट भी इस विभाग को लगानी होती है 7 दिन के अंदर। तो एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से। हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी और आखिरी स्कॉर्पिन पनडुब्बी लॉन्च की गई है। इसका नाम INS वागसीर किया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है INS वागसीर। ये जो बेटा आपका प्रोजेक्ट 75 है ना, प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 सबमरीन अपने यहां आनी थी, कुल 6 सबमरीन, 6 में से आखिरी का नाम जो है INS वागसीर है, छठी का नाम INS वागसीर है। इसके पहले 5 और भी आ चुकी है भारतीय नौसेना में, जिनमें से पहली थी आपकी INS कालावरी, INS खंडेरी, INS खरंज, INS वेला और INS वागीर। तो इसमें आपकी जो पहला है उसका नाम भी याद रखिएगा INS कालावरी। ये पहली है और आखिरी है आपकी वागसीर। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण गांधीनगर में किया गया। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण गांधीनगर में किया गया है। अब ये गांधीनगर में कहां किया गया ये भी जान लो, आप नाम से परिचित होंगे पहले, इसलिए और बता दूं मैं। अक्षरधाम मंदिर का नाम सुना है ना, अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम टेम्पल, जो कि आपके गांधीनगर में है ना, वहीं पे इसको इम्प्लांट किया गया है। तो ये सब इतना जानते हो तो अक्षरधाम मंदिर भी जानते हो, तो ये भी जान लो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने के लिए सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगी। अब भाई दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये कितना ऊंची है। तो ये बेटा कुल मिलाकर के 16,580 फीट ऊंची है, 16,580 फीट ऊंची आपकी ये सुरंग का निर्माण हो रहा है। भारत और मालदीव अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करेंगे। अब बेटा ये क्या होता है, ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन क्या होता है, दोनों देश भारत और मालदीव जो है वो अब आपस में बिजली शेयर करेंगे, मतलब आयात और निर्यात करेंगे। हम मालदीव को बिजली दे भी सकते हैं और मालदीव से बिजली ले भी सकते हैं। तो इसीलिए भारत और मालदीव के बीच में ये ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करेगा, दोनों देशों के बीच में स्थापित होगा। 26 से 30 अप्रैल तक एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, अब ये जो सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 के नाम से दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ, इसमें 80 से अधिक निर्यातकों ने भाग लिया था। 80 से अधिक निर्यातकों ने इस खाद्य मेला में भाग लिया था। हाल ही में रूस के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 को जीत लिया है। हाल ही में मैक्सिको के ग्वाडलजारा शहर को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के लिए नामित किया गया है। ठीक है बेटा, चलिए भाई, अब ये जो
वर्ल्ड बुक का है ना, ये रैंकिंग कौन जारी करता है, याद रखना है, यूनेस्को जारी करता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, SIPRI सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में शीर्ष के तीन देश यूएसए, चीन और फिर भारत है। जो आपका सैन्य खर्चा है ना, उसके मामले में अमेरिका शीर्ष नंबर पर है। अमेरिका भैया बहुत पैसा खर्चा करता है सैन्य ताकत पे। दूसरे नंबर पे चाइना आता है और तीसरे नंबर पे आपका भारत आता है, जो सेना के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करता है। अब सिप्री का फुल फॉर्म भी जान लो भाई लगे हाथ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। ये पीस ढूंढता है, लेकिन इसने ढूंढ क्या डाला कि कौन सा देश सबसे ज्यादा सेना पे खर्चा करता है, तो भारत आपका तीसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा यूएसए। 2021 में भारत ने $76 बिलियन खर्चा किया था, अमेरिका $801 बिलियन और चीन $293 बिलियन खर्चा किया है। तो अमेरिका का बजट देख लीजिए रक्षा के मामले में 801, चीन उसका आधा भी नहीं अभी 293 और भारत 76 के बाद तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था। ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है, या उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है, या उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। तो अब आपको अगर आप झारखंड जाते हैं तो झारखंड के जामताड़ा जिला चाहिए, जामताड़ा, आपको वहां हर गांव में एक पुस्तकालय मिलेगा। तो यानी कि वहां के लोग भी भाई पढ़े लिखे और ज्यादा निकलेंगे। ये वाली न्यूज भी याद रखिएगा कि झारखंड का जामताड़ा जिला हर पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के रामपुर में पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के रवि दाहिया ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत के रवि दाहिया महोदय जो है, इन्होंने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है रवि दाहिया ने। 2 मई की बात करते हैं भाई, हाल ही में मैक्स वेरस्टैपेन ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। मैक्स वेरस्टैपेन ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। हाल ही में एलन थॉम्पसन ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, मैक्स वेरस्टैपेन और साथ ही साथ एलन थॉम्पसन। मेल में कौन है, पुरुषों में कौन है, मैक्स वेरस्टैपेन, और फीमेल में कौन है, एलन थॉम्पसन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया। सर डेविड एटनबरो को यूएनईपी ने सम्मानित किया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जिसे हाल ही में सम्मानित किया है सर डेविड एटनबरो को। हाल ही में रॉबर्ट गोलोब स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, आपको यह याद रखना है, रॉबर्ट गोलोब का नाम याद रखना है। 1 मई की बात करते हैं, बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा नीति आयोग ने जारी किया है। बेटा बैटरी स्वैपिंग नीति क्या है, बैटरी स्वैपिंग आपको भी पता है कि अपने भारत में इस वक्त 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में सबसे ज्यादा क्रेज जो है वो ई व्हीकल का चल रहा है, क्योंकि ई रिक्शा आपको रोडों पे कितना ज्यादा संख्या में दिख रहा है, और अब तो बैटरी वाली स्कूटी, बैटरी वाली बाइकें बहुत ज्यादा आ रही है। उम्मीद ये है कि इससे कार्बन का जो उत्सर्जन था इससे बहुत ज्यादा कमी आएगी। बैटरी स्वैपिंग क्या है, बैटरी स्वैपिंग ये है बेटा कि ACC टेक्नोलॉजी पे अब आपकी बैटरीज होंगी, ACC टेक्नोलॉजी पे अब आपको चार्जिंग स्टेशन पे रुक कर लॉन्ग टाइम के लिए अपनी बैटरी चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बैटरी को वहीं छोड़ेंगे, दूसरी बैटरी मिलेगी, लगाइए और आगे निकल जाइए, ठीक है। तो जो टाइम वेस्टेज था वो आपका बचेगा, यही है बैटरी स्वैपिंग नीति।
21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित होने वाले पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के मामले में शीर्ष के तीन राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। उत्तर प्रदेश को 13 पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, महाराष्ट्र को 10 और गुजरात को 7। ये जो बेटा आपके पद्म पुरस्कार है ना, इनको हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। पहली चीज पद्म पुरस्कार की बात हुई है तो थोड़ी सी और बात जान लेते हैं। पद्म पुरस्कार को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। पद्म विभूषण का नाम सुना होगा ना, तो ऐसे तीन कैटेगरी होती है। इनकी घोषणा जो पद्म पुरस्कार होते हैं, इनकी घोषणा 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है और अप्रैल और मई महीने, अप्रैल या मई में, किसी कभी अप्रैल में कभी मई में, इनका इन पुरस्कारों को राष्ट्रपति भवन में एक पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। उसी दौरान अप्रैल या मई के मंथ में इन लोगों को हैंडओवर किया जाता है। 1954 में आपके पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। बीच में कुछ चार साल, जैसे 1997 हो गया, ऐसे बीच में चार साल कुछ कारण की वजह से ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, बाकी 1954 से लगातार आपका ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम लोग मरणोपरांत की बात छोड़ दें और कुछ विदेशी कैंडिडेट्स इनको दिया जाता है उनकी छोड़ दें, तो भारतीय जो जीवित भारतीय रहते हैं उनको कुल मिलाकर के मैक्सिमम 120 लोगों को एक बार में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मैक्सिमम 120 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो सांबा जिला जो है आपका, वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना क्या है बेटा, पहले तो ये जान लो। जन आरोग्य योजना क्या है कि जो आपके घर देश में गरीब परिवार है ना, उनको 5 लाख तक का बीमा कवर, इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 5 लाख तक का इंश्योरेंस का कवर मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, सांबा जिला जो है, सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, सांबा जिला में 100% परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी आज तक मतलब कि 1 मई तक की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सभी को इसकी पीडीएफ प्राप्त हो, अगर करनी है, चाहिए इसकी पीडीएफ, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए ठीक 6 बजे जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।